कहते हैं कि माँ बनने का एहसास एक अलग ही एहसास होता है। जब माँ बनने का पहला अनुभव होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे में अगर आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो आपको इन बातों का ध्यान दिलाता है, लेकिन जब कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है तो ऐसे में आप इंटरनेट की मदद लेते हैं, यानी कि आप इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं जहाँ पर आप ये जानना चाहते हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी कुछ बातें जिनको आप गर्भ अवस्था के समय ध्यान रखें, यानी कि उन फल को ना खाएं गर्भावस्था के समय जिनसे आपके शरीर को और आने वाले बच्चे को नुकसान हो सके। तो इसमें सबसे पहला नाम सामने आता है फल का, वो है कच्चा पपीता। गर्भ अवस्था के समय कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। कच्चा पपीता खाने से प्रसव जल्दी होने की संभावना होती है। पका पपीता आप खा सकती हैं। आप सभी को बता दें कि गर्भावस्था के समय तीसरे और अंतिम तिमाही के समय पका हुआ पपीता खाना बहुत अच्छा होता है। पके हुए पपीते में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों से प्रचुर मात्रा में भरपूर होता है, जो गर्भ अवस्था के शुरुआती लक्षणों जैसे कब्ज को रोकने में मदद करता है। शहद और दूध के साथ मिश्रित पका हुआ पपीता खाने से गर्भवती के लिए एक उत्कृष्ट टॉनिक के समान होता है। इसके साथ ही अनानास, गर्भ अवस्था के समय अनानास खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके सेवन से भी जल्दी प्रसव की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही तीसरा जो फल है वो है अंगूर। डॉक्टर भी गर्भवती महिलाओं को उसके गर्भ अवस्था के तिमाही में अंगूर खाने से मना करते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा अंगूर खाने से असमय प्रसव पीड़ा हो सकती है। इसलिए कोशिश ये करें कि गर्भ अवस्था के समय अंगूर ना ही खाएं। गर्भवती स्त्रियों को विशेषज्ञों की सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि वे स्वच्छ और ताज़ा भोजन करें, फलों को धुलकर खाएं। गर्भ के समय फल और सब्जी का आहार के रूप में जरूर करें, जिससे कि आपके आने वाला बच्चा एकदम तंदुरुस्त और रक्त से भरपूर हो। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।